हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और मैं जस्ट ब्रश की हूँ और चाय बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे हैं और कैसा सबकी लाइफ में कैसा चल रहा है सब कुछ। तो आई होप सबकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। बस मेरा सुबह का शुरुआत, मेरा क्या बहुत लोगों का सुबह का शुरुआत चाय से होता होगा। मैं सबसे पहले चाय पी लूंगी, मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मेरे हस्बैंड तो सुबह का चाय लेते नहीं है, बट मैंने आज कहा कि मेरे साथ थोड़ा चाय पी लीजिए। कभी कभी पीते हैं और ज्यादातर अभी नहीं पी रहे हैं। तो बस जितना दूध चाहिए था चाय के लिए मैं ली हूँ और बाकी सारा को रख दी। और सुबह का चाय हम लोग पीते हैं अभी भी, मतलब कि बहुत दिनों से नहीं, कुछ दिनों से चल रहा है कि हम लोग सुबह का चाय लेते हैं शुगर फ्री। तो शुगर फ्री चाय पियेंगे। और चाय पत्ती दो तरीके के मैं रखती हूँ, एक इलायची फ्लेवर वाला, तो वो भी कभी मन होता है तो बनाती हूँ इलायची फ्लेवर वाला, कभी नहीं। तो आज मैंने इलायची फ्लेवर वाला चाय पत्ती यूज़ किया है। एंड बस चोटी बना के सोने से कभी कभी क्या होता है कि चोटी ना टाइट हो जाता है और टनता है कहीं कहीं से। जो लोग करके सोते होंगे, मोस्टली लोग को मैं देखती हूँ खोल के सोते हैं, बट मेरा तो आदत है चोटी बना के सोने का। तो मैं खोल दी और बस अभी हम लोग आराम से चाय पियेंगे। मेरे हस्बैंड रूम में है और पड़ी अभी तक उठी नहीं है, पड़ी सो रही है। तो उसको अभी उसको नींद पूरा होने के लिए देंगे। सो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बोल रही हूँ मैं नहीं सो रही हूँ। तो वो अभी सोएगी कुछ देर, उसको उठाऊंगी नहीं। और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग अपना चाय पी लेते हैं और जब वो उठती है नींद पूरा करके तभी उठाते हैं, क्योंकि अभी तो स्कूल नहीं जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा के मैं उसको उठा दूँ, तो नहीं उठाती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हर किसी के घर पे चेयर पे कपड़ा होता है सूखा हुआ सारा कपड़ा, तो मेरे घर पे भी होता है। और मैं पता नहीं कभी कभी रोज मोड़ लेती हूँ तो कम रहता है, कभी नहीं मोड़ती हूँ तो दो दिन का होकर इतना सारा हो जाता है। तो बहुत सारा कपड़ा हो गया था चेयर पे, तो मैं सोची नहीं पहले मैं इसको सलट लूँ अच्छे से, उसके बाद कुछ भी करूँगी। तो पहले जो भी कपड़ा वगैरह है सब अच्छे से फोल्ड करके जिसका जहाँ जगह है मैं उसको रख दूँगी, उसके बाद कुछ भी काम। और पड़ी सो ही रही है, उठी नहीं है। उसके पापा अपना काम कर रहे हैं, उनका जो भी काम रहता है अपना ऑफिस का, बहुत ज़्यादा कॉल आता है उनका सुबह में, वो अपना कॉल रिसीव करते हैं, काम करते रहते हैं। और बस मैं आ गई हूँ किचन में। मैं दोनों तरफ हाथ लगा देती हूँ, क्लीनिंग घर, मतलब हाउस क्लीनिंग जो बोलते हैं, घर का क्लीनिंग और सुबह का नाश्ता वगैरह जो भी होता है। तो बस अभी मैं अपने हस्बैंड का नींबू पानी रेडी कर रही हूँ। वो गर्म पानी में नींबू और मधु लेकर पीते हैं, तो उनका वो रोज का ही है। तो जो भी सुबह का होता है मैं करती हूँ, और उधर मतलब चारों तरफ मैं कर रही होती हूँ, एक तरफ मेरा काम नहीं चलता है, मेरा काम चारों तरफ चल रहा होता है। तो बस ये नींबू पानी मैं उनको दे दी हूँ, वो अपना काम भी करते रहेंगे और उसको धीरे धीरे पीते रहेंगे, क्योंकि गर्म रहता है तो थोड़ा चाय की तरह ही पीना पड़ता है। और वो नाश्ता में क्या लेंगे पूछी तो बोले यार दलिया बना दीजिए। तो फटाफट से मैं फ्रिज से दूध लेकर आई और दलिया चढ़ा दी। दलिया बहुत ईजी होता है, मेरे लिए भी बहुत ईजी होता है क्योंकि फटाफट हो जाता है, उसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। और दूध गर्म हो, बस दूध में अच्छे से दलिया को धोकर डाल देना है और उसको धीरे 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 वो सिझता है, उसको टाइम लगता है सिझने में। और मेरे हस्बैंड हनी के साथ लेते हैं दलिया, मतलब वो चीनी नहीं डालूंगी, हनी लेंगे। बस उनका ब्रेकफास्ट यही रहेगा और मेरा ब्रेकफास्ट है फ्रिज में, क्या है वो आगे आपको पता चलेगा।
ये हॉल में ठीक कर रही हूँ, कितना भी ठीक कर लो वो पड़ी उठेगी तो फिर सारा ही खराब कर देती है। तो जो मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड अपना इधर उधर काम कर रहे हैं, उनका दलिया एक तरफ हो रहा है और मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। जैसे आप देखिए वो अपना नींबू पानी ले चुके हैं, और फटाफट से झाड़ू दूंगी, साफ ही दूंगी, और पड़ी उठेगी तो उसको जो ब्रश वगैरह कराऊंगी। और ये काम मेरा आजकल बढ़ गया है, मतलब एक महीने में दो बार मुझे करना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों मैं पहले नहीं सोची, ये पता नहीं मेरे फ्रिज में क्या प्रॉब्लम है, बाहर मतलब पीछे की तरफ पानी जो जमा हो जाता है, अगर उसको आप ना क्लीन करो तो वो बाहर मतलब फिर फ्लोर पे आ जाता है, तो मुझे उसको भी साफ करना पड़ता है। ये मेरा बेमतलब का एक काम बढ़ गया है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी फ्रिज लूंगी तो ये इस टाइप का फ्रिज नहीं लूंगी जिसको मुझे 50 बार पानी साफ करना पड़े। और बस मैं आ गई हूँ किचन में, और फटाफट से किचन में बनाऊंगी जो दलिया मेरे हस्बैंड का रेडी हो गया है, बस उसमें मधु डाल दूंगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं मैं मधु यूज कर रही हूँ, और उनको उनका नाश्ता दे दूंगी, फिर वो रेडी वगैरह होके अपना ऑफिस के लिए निकलेंगे। बस ये काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो मैं फिर पानी पी रही थी, और पड़ी के पापा आवाज़ लगा रहे हैं, पड़ी उठ चुकी है। सो ये रहा मैं और पड़ी। तो मैं पड़ी जब भी उठती है तो उसका पसंद का जो भी कुछ होता है उसको बहुत सारा पैम्परिंग करना, पैम्पर करती हूँ उसको, मोबाइल पसंद करती है, कार्टून देखना तो कार्टून लगा देती हूँ। तो सुबह में बच्चे लोग को अगर आप रोने ना दे और जो उनको पसंद है वो करने दे तो क्या होता है, बच्चा दिन भर रोता नहीं है। तो मेरा ये अपना मानना है, मैं अपनी पड़ी के साथ वैसा ही करती हूँ, उसको रोने नहीं देती हूँ, सुबह में एकदम बहुत सारा प्यार करती हूँ उसको, तो उसका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। नहाना हो गया, आप लोग जैसे देखे मैं नहाई, नहा कर पूजा कर ली हूँ, और अभी पड़ी का मिल्कशेक बनाऊंगी और मैं ब्रेकफास्ट करूंगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। मेरा ब्रेकफास्ट सिंपल सा होगा क्योंकि मैं सिर्फ लंच बनाऊंगी, हस्बैंड तो मेरे दलिया खाए, और ये मैं रात में बनाई थी पूजा की थी उसी लिए लाल लाल दिख रही है। क्या बोलते हैं इसको, चना, लाल चना का मतलब घुगनी बोलते हैं हम लोग, पता नहीं आपको क्या बोलते हैं। तो वो बनाई थी, इसको मैं मूढ़ी के साथ खाऊंगी, मेरा मूढ़ी फेवरेट है। तो और पड़ी के लिए मिल्कशेक बनाऊंगी, तो पहले फटाफट से मिल्कशेक को गर्म कर लेते हैं, मतलब सॉरी दूध को गर्म कर लेते हैं। तो इधर मैं अपने लिए चाय बना रही थी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट की नहीं थी, पूजा की थी, और तब तक मैं मेरे हस्बैंड उनका जो एक काम था वो करके आ गए, और कुछ कुछ सामान लाने के लिए बोले थे वो भी ले आए, और दूध का पैकेट जैसे देख रहे हैं इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। और बस उनको मैं बोली बैठिए, जब मैं नाश्ता कर रही हूँ तो थोड़ा सा भी ले लीजिएगा, वो लेना ही चाहते कुछ भी तेल वगैरह का सामान, तो उसको मैं बोली सॉरी उनको मैं बोली कि बैठिए मैं लेकर आती हूँ। तो बस वो थोड़ा मेरे लिए वेट कर रहे हैं,
और थोड़ा पानी दी उनको पीने के लिए, पानी पी रहे हैं। और मेरा ये टॉवल बहुत देर से बंधा हुआ था तो मैं सोची पहले इसको खोल लेती हूँ। फटाफट से मैं सोची कि शनिवार है तो खिचड़ी बना लेती हूँ, खिचड़ी बनाने से सही रहेगा। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है मुझे, पता नहीं सुबह से तो काम किया, अच्छा काम किया, बट अभी अचानक से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगा है तो मैं फटाफट सोच रही हूँ खिचड़ी बना लूँ। खिचड़ी और आलू का सन्ना, मतलब चोखा, आलू का चोखा, खिचड़ी, पापड़, ये है खाना। तो फटाफट से मैं ये आलू छील रही हूँ। मेरा आलू में जो मिलाऊंगी प्याज, सूखा मिर्ची, सरसों, वो रेडी है। तो खिचड़ी चढ़ाऊंगी, खिचड़ी चढ़ाई नहीं है, खिचड़ी मैं सिंपल बनाती हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि मुझे उसमें 5 फोरन दूंगी, कच्चा मिर्ची दूंगी, तेल में जब वो गर्म हो जाएगा बस दाल चावल डाल के, हल्दी नमक डाल के बस सीटी लगा देती हूँ। और जब उतर जाता है, अगर घी लेना है तो घी के साथ खाइए, और नहीं तो प्लेन खाना, प्लेन खाइए। तो हम लोग घी वगैरह नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग का थोड़ा डाइट चल रहा है अच्छा, मतलब मेरे हस्बैंड अच्छा डाइट ले रहे हैं ना, वो मतलब तेल घी वगैरह नहीं लेना चाहते हैं और सिंपल होता है। तो बस यही है। तो मैं फटाफट से काम करके, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मैं काम वाम करके अच्छे से थोड़ा रेडी हो होकर तब आपसे मिलूंगी। क्योंकि देखिए मैं नहाई, नहा के फटाफट से मेरे हस्बैंड आए, वो फिर चले गए काम पे। आप लोग देख रहे थे ना कि हम लोग बैठ के साथ नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता वो कर चुके थे बट मैं खा रही थी तो मैं उनको भी देती मुंह में थोड़ा सा, नहीं तो वो लेते ही नहीं है, वो वही दलिया खाते ही रह जाते हैं। तो बस फटाफट से करके मैं आराम से मिलती हूँ और आप लोग से शेयर करूंगी मैं खिचड़ी चोखा पापड़, मेरा मतलब फेमस खाना खिचड़ी चोखा पापड़। अचार, अचार लेना है तो अचार भी ले लीजिए, तो मेरे पास है आम का अचार, तो जो मन करता है खाने के टाइम में हम लोग वो ले लेते हैं। पापड़ भी, जैसे मेरे हस्बैंड पापड़ नहीं खाएंगे, पापड़ मैं लूंगी, लेकिन पापड़ मैं खा रही हूँ, पापड़ वगैरह वो एकदम ही मेरे तेल का सामान छोड़ दिए, नहीं लेते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, मैं मिलती हूँ आप लोग से एक ही बार खाना बनाने के बाद, ओके, खाना खाने के टाइम में मिलूंगी। आप लोग जैसे देखिए मैं खिचड़ी बनाई, तो मैं बोली थी आप लोग से कि मैं मिलूंगी, तो क्या हुआ ना खिचड़ी बनाने के बाद, हम लोग खाना खाने के बाद, जन्माष्टमी आने वाला है तो सोचे कि कुछ कुछ सामान ले आए, क्योंकि जन्माष्टमी का थोड़ा सामान रहा था, तो हम लोग कुछ कुछ पूजा का सामान वगैरह लेना था तो ले आए। और मैं बनाई मैगी, तभी हम लोग खाएंगे, पड़ी भी खा रही है उसका मैं बनाई हूँ, एकदम हल्का झाल वाला, एकदम हल्का झाल वाला। और ये है मेरा पूरा मतलब मसाला वाला, अच्छे से बनाई मैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग मैगी इंजॉय करेंगे। और ब्लॉग में ज़्यादा लंबा ना हो, मतलब हम लोग जो मार्केट गए ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर ही नहीं कर पाई। और मैं और मेरे हस्बैंड फटाफट से परी को रेडी किया और हम लोग निकल गए थे, कि वो जरूरी था करना वो भी चीज़। अगले जन्माष्टमी 18 तारीख को है तो करना पड़ता है जन्माष्टमी का, और एक दिन जाऊँगी। आज हम लोग लेके आए वो मधु, घी, दिया वगैरह जो था, अब लेकर आना है मुझे भगवान जी का कपड़ा, बांसुरी वगैरह सेट लेके आना है। तो बस इसी तरीके से मैं आज का ब्लॉग को ऐसे ही कंप्लीट की, और पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग। थोड़ा खाना जो बनाई थी खिचड़ी, तो कुछ भी सिंपल था, खिचड़ी था, चोखा की थी आलू का, और पापड़ हम लोग खाए। और बस क्या चाहिए बेटा,
बस इसी तरीके से दोपहर खाना खाए हम लोग, एक दो घंटा रेस्ट किए। आ शनिवार था ना, तो मेरे हस्बैंड बोले फिर कल संडे हो जाएगा, तो मार्केट बंद रहता है संडे को, तो कुछ सामान ले आते हैं। तो हम अपना जाके बाइक से गए थे, जाके लेकर आ गए। और अब हम लोग नेक्स्ट निकलेंगे, मैं सोच रही हूँ सोम या मंगल को निकलेंगे, लड्डू गोपाल का कपड़ा वगैरह ले आऊंगे। तो आप लोग जरूर बताइए मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। मैं इसमें थोड़ा कोशिश की क्लीनिंग वगैरह जितना शेयर कर पाई कर पाई। और देखिए ना पड़ी का बेटा, देखो सुबह से पड़ी भी बाल इसका देखिए क्या हाल कर लिया पूरा बाल बिखर गया है इसका, तो बाल भी इसका ठीक करना है। खींच ली ये चीज, खींच ली उसका पोनी जो की थी मैं, तो उसका होमवर्क भी नहीं कराएंगे, होमवर्क भी कराऊंगी आज तो नहीं कराऊंगी, कल कराऊंगी, फिलहाल तो फिक्स नहीं है मेरा। सो बाय बाय।